वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। आज मैं आपको कुछ ग्रीन टी के फायदों के बारे में बताता हूँ। देखिए, ग्रीन टी और ब्लैक टी में बेसिकली डिफरेंस क्या है, एक ही पेड़ की पत्तियां हैं, लेकिन जो ब्लैक टी होती है उसको इस तरह से प्रोसेस किया जाता है जिसके कारण उसमें फर्मेंटेशन क्रिएट होती है और इसका नतीजा ये होता है कि पॉलीफिनॉल्स की मात्रा, कैटेचिन्स की मात्रा, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा उसमें काफ़ी कम हो जाती है या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं रहती, जबकि ग्रीन टी में ऐसा नहीं होता। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ ग्रीन टी के कुछ फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये हमारे बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, इसको फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाती है, क्योंकि इसमें ढेर सारे बायोएक्टिव कंपाउंड है, पॉलीफिनॉल है, फ्लेवोनाइड्स है, कैथेचिन्स है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट हमारी शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज से बचाता है, और फ्री रेडिकल्स से जो डैमेज होता है उससे कई तरह की बीमारियाँ आती हैं, एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, कैंसर भी फ्री रेडिकल्स से होने वाला ही एक डैमेज है। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो इन तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। दूसरा फायदा यह है कि ये आपके ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। देखिए, ग्रीन टी में कैफीन होता है, आप कहेंगे कि कॉफ़ी में भी कैफीन होता है, लेकिन कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन होता है जो कि नुकसानदायक होता है। ग्रीन टी में काफ़ी कम मात्रा में कैफीन होता है, इतना ही होता है जो आपके ब्रेन को एक्टिव करता है। इसके साथ ही इसमें एक एमिनो एसिड L-theanine होता है, ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करें, तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ऐसे टाइम पर ग्रीन टी एंटी एंग्जाइटी का भी काम करता है, यानी कि अगर आप कभी बहुत डिप्रेशन में हैं, कभी एंग्जाइटी बहुत हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ये जो थोड़ी मात्रा में इसमें कैफीन है और L-theanine जो एमिनो एसिड है, इसका कॉम्बिनेशन जब आपके शरीर में जाता है तो आपका ब्रेन प्रॉपरली काम करने लगता है, आप एक्टिव हो जाते हैं और ढंग से सोच पाते हैं, और जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है वो आपकी दूर हो जाती है। ग्रीन टी का तीसरा फायदा ये है कि ये आपकी दांतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, दांतों में एक प्राइमरी बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे दांतों में प्लाक जमाता है, जिसके कारण कैविटी होती है और अल्टीमेटली दांत गिरने तक की नौबत आ जाती है। ग्रीन टी में जो कैथेचिन होता है वो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, उसको रोक के रखता है, जिसके कारण दांतों की जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो नहीं आती है। और बहुत सारी स्टडीज से ये भी पता चला है कि ये बैड ब्रेथ जो होती है, सांसों की बदबू की परेशानी, ग्रीन टी का अगर इस्तेमाल करें तो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम से भी आराम मिलता है। इसके साथ ही कुछ स्टडीज से ये भी पता चला है कि ये इन्फ्लुएंजा के वायरस को भी किल करता है। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करना बहुत ही लाभदायक है। अभी ग्रीन टी के तो बहुत ढेर सारे फायदे बाकी हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे ग्रीन टी के फायदों के बारे में, चलिए उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ग्रीन टी का जो एक सबसे बड़ा फायदा मुझे समझ में आता है वो ये है कि ये आपके शरीर में कैंसर डेवलप होने के चांसेस को रिड्यूस करता है। कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, जिसके कारण विश्व में सबसे ज़्यादा मौत होती है। ग्रीन टी में बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कैंसर सेल डेवलप होने के चांसेस को रिड्यूस करते हैं। एक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर पैदा होने वाला मेन कैंसर है, अगर ग्रीन टी का जो महिला रेगुलर इस्तेमाल करती है उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस 22% कम हो जाते हैं। इसी तरह पुरुषों में एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि जो पुरुष ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस में 48% की कमी आई है। इसी तरह से चाइना में एक शोध किया गया, लगभग 70,000 महिलाओं पर यह शोध किया गया और ये पाया गया कि ग्रीन टी का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में लगभग 57% कोलोरेक्टल कैंसर या कोलोन कैंसर डेवलप होने की संभावनाएं कम हो गई। ग्रीन टी का इस्तेमाल बुजुर्गों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये ग्रीन टी जो होती है वो आपके ब्रेन फंक्शन को तो इम्प्रूव करती है, केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही इम्प्रूव नहीं करती है, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए एज के साथ होने वाली डिजीज से भी आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। बुजुर्ग अवस्था में
मेनली दो बीमारियां आती हैं, अल्जाइमर और पार्किंसन। अगर आप ग्रीन टी का रेगुलर इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये बीमारियां आपके शरीर में, आपके ब्रेन में डेवलप होने के चांसेस काफी रिड्यूस हो जाते हैं। ग्रीन टी के इस्तेमाल का एक और फायदा आपको बता देता हूँ, ये आपके शरीर में टाइप 2 डायबिटीज के डेवलप होने के चांसेस को रिड्यूस करती है, क्योंकि ये आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है और ब्लड शुगर को रिड्यूस करती है। जापान में एक स्टडी की गई जिसमें ये पाया गया कि जिन लोगों ने ज़्यादातर ग्रीन टी का इस्तेमाल किया था उनमें 42% टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस रिड्यूस पाए गए। इसी तरह से 7 स्टडीज की गई और सारी स्टडीज का टोटल ये निकला है कि अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 18% आपको टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर डायबिटीज से बचना है रेगुलर ग्रीन टी का इस्तेमाल करते रहें। इसके साथ ही ग्रीन टी का इस्तेमाल करके आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा हमारे अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि ग्रीन टी का इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपना वजन कम कर सकते हैं। देखिए ग्रीन टी जो होती है वो आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करती है और फैट बर्निंग की प्रोसेस को इंक्रीज करती है, जिसके कारण आपके शरीर में एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। एक स्टडीज में 10 लोगों को नियमित रूप से ग्रीन टी का इस्तेमाल करवाया गया और ये देखा गया कि उनके एनर्जी लेवल में 4% की बढ़ोतरी हो गई थी। एक दूसरी स्टडी में ये देखा गया कि ग्रीन टी का इस्तेमाल करने से फैट ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो 17% तक इंक्रीज हो गई। यानी कि अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वजन कम होने लगेगा। वैसे कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि उनके मेटाबॉलिक रेट पे ग्रीन टी के इस्तेमाल से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर ग्रीन टी आपको सूट कर रही है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी जो शरीर की फैट बर्निंग प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी और आपका वजन कम होने लगेगा। स्टडीज से ये भी पता चला है कि जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ होता है ग्रीन टी का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से उनका पेट भी कम होने लगता है। वैसे शरीर में कहीं से भी फैट हटाना आसान होता है, पेट से फैट हटाना सबसे मुश्किल होता है। तो अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है तो नियमित तौर पर 2 से 3 ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, 2 से 3 महीने तक इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद देखें कि आपके पेट का फैट कम हुआ है या नहीं। ग्रीन टी का एक और फायदा बताता हूं मैं आपको। विश्व में आजकल जो सबसे ज्यादा मौतें होती हैं वो होती हैं हार्ट डिजीज के कारण। तो ग्रीन टी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को हार्ट डिजीज से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हार्ट डिजीज का एक मुख्य कारण होता है जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और खासतौर पर बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, LDL कहते हैं, उसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल करने से आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और ख़ास तौर पे LDL जो होता है वो भी रिड्यूस होता है। एक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि नियमित रूप से ग्रीन टी का इस्तेमाल करने वाले लोगों में 31% हार्ट डिजीज डेवलप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अपने हार्ट को अगर प्रोटेक्ट करना है तो ग्रीन टी का नियमित रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ग्रीन टी ना आपको हार्ट डिजीज से बचाती है बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ाती है। बहुत सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि नियमित रूप से ग्रीन टी का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा जीते हैं और ज़्यादा स्वस्थ जीते हैं। तो अगर स्वस्थ जीना है तो नॉर्मल टी को छोड़कर ग्रीन टी का सेवन शुरू कर दें। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ग्रीन टी में कभी भी दूध ऐड ना करें, क्योंकि अगर आप इसमें दूध ऐड कर देते हैं तो जो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं और फिर जो इसका फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिलता है। इसी तरह से ग्रीन टी में शुगर ऐड करके लोग लेते हैं, मेरी सलाह ये है कि इसमें शुगर भी ऐड ना करें आप, उससे भी जो उसके फ़ायदे हैं वो कम हो जाते हैं। इसकी जगह आप चाहें तो थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो एक लेमन का स्लाइस काट के वो लेमन का स्लाइस आप उसमें डाल दें, कुछ मिंट लीफ आप डाल सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी ग्रीन टी का स्वाद भी बढ़ाएंगी और साथ ही उसके जो स्वास्थ्यवर्धक गुण हैं उसको भी बढ़ाएंगी। आप चाहें तो स्लाइस करके अदरक के थोड़े टुकड़े भी आप उसमें डाल सकते हैं, ये भी आपकी ग्रीन टी को
और ज्यादा लाभदायक बना देगी। तो बस ग्रीन टी का इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें। हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।